जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, यह 42 वर्षीय एक महिला की जन्म कुंडली है जो इस वक्त लंदन के वेम्बली नाम के एक जगह पर रहती है। गुजराती परिवार की महिला है। बचपन से ही हौसले बुलंद थे कि मुझे अपनी जिंदगी में अपनी मां बहन और परिवार की और महिलाओं की तरह आम जिंदगी या फिर एक हाउसवाइफ बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी है। इनका बचपन से एक ख्वाब रहा है कि मैं अपना व्यवसाय करूंगी, चाहे गुजरात में हो चाहे बाहर हो। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी, जैसा चाहती थी वैसा इनके साथ हुआ और इनको एक लड़का मिल गया जो कि गुजरात के थे, और शादी के बाद ये लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड में कुछ साल तक नौकरी करने के बाद पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर सेंट्रल लंदन में एक इंडियन क्यूजीन, इंडियन रेस्टोरेंट इन्होंने खोला, और जिसे बड़ी मेहनत के द्वारा, आमतौर पर देखा जाता है कि हिंदुस्तान में तो लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं उसमें एक वर्कर रखे जाते हैं, एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, मैनेजर रखे जाते हैं, शेफ रखे जाते हैं जो काम कर लेते हैं। लेकिन बाहर के देशों में आमतौर पर ज्यादातर लोग जो व्यवसाय करते हैं दोनों को ही मेहनत पति पत्नी को उतनी करनी पड़ती है जितना एक आम एम्प्लॉय करता है, और हो सकता है एम्प्लॉय से ज्यादा मेहनत मालिक को करनी पड़े, ऐसा ज्यादातर होता है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल से इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं है और रिसेशन का दौर चल रहा है, प्रॉपर्टीज डाउन है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, यहां तक कि गवर्नमेंट जो नौकरी है उनकी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी बंद होते जा रहे हैं। जो आईटी सेक्टर है, जो फैक्ट्रीज थी, जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, जो रेडीमेड का बिजनेस था, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस थे, इसमें ज्यादातर में नौकरियां नहीं है और रिसेशन, और साथ में उनके खुद के देश के जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर के लोग आकर नौकरी करते हैं, इसके वशीभूत जो तरह तरह की तकलीफों को हम आए दिन देखते हैं, उसके बाद इनके रेस्टोरेंट पर भी इसका बुरा असर पड़ा और लोग बाहर खाना खाने जाने कम लग गए। ये हमारे संस्थान के प्लेटिनम के सदस्य भी हैं, तो इस सदस्यता के तहत हम लोग ये बताते हैं कि एक सदस्य की जन्म कुंडलिका का विश्लेषण टेलीविजन के माध्यम से जरूर करेंगे। तो जब इनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई, इन्होंने कहा, श्रीमाली जी, मेरा तो अब कारोबार चलता ही नहीं है और मैं पेशे से एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी हूं, लेकिन लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं और ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने जो श्रृंगार को बढ़ाएं, अपने साज संवरता, जो इंसान है खूबसूरती अपने बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त उनके खाने के भी पैसे नहीं उनके परिवार में, तो मेरे सलून तो चलने वाला है नहीं, रेस्टोरेंट भी मेरा कमजोर चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, जी कैसा भी रिसेशन हो तो लोग कोई खाना खाना थोड़ी बंद कर देते हैं। कह नहीं श्रीमाली जी, खाना तो खाने हमारे रेस्टोरेंट में लोग आते हैं। एक मजाक के अंदाज में उसने बताया कि जैसे पहले जमाने में लोग खाना खाने के लिए डेढ़ दो घंटे तक टेबल पर रहते थे और बड़े आराम से एक दो सूप पीते थे, उसके बाद तरह तरह के वेजिटेबल्स मंगवाते थे और तरह तरह की जो व्यंजन मंगवाते थे, और उसके बाद डेजर्ट को, यानी स्वीट डिश जिसे हम कहते हैं, वो खाकर फिर वो आराम से टिप देकर घर जाते थे। लेकिन आज घर में ही सूप पीकर आते हैं, तरह तरह की सब्जियों की बजाय एक या दो सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, जो एक आम वेजिटेरियन इंसान खाता है, और डेजर्ट वो कहते हैं, जी डायबिटीज का घर है, ऐसा कुछ कह के वो चले जाते हैं। तो हमारा बिल जो पहले कोई जमाने में इतना अच्छा बनता था, आज नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम किराया भी नहीं दे पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए, और सलून मेरा जो चल रहा है क्या मुझे उसे चलाना चाहिए, क्योंकि दोनों पर ही विपरीत असर पड़ा इस रिसेशन का और आर्थिक मंदी के कारण जो तरह तरह की तकलीफों का हम सामना कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि या तो हम हिंदुस्तान लौट चलें, जिस पर रिसेशन का कोई खास असर नहीं हुआ है, हमारे पास बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है सूरत में भी और अहमदाबाद में, अब वहां पर कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टीज का, या होटल और रेस्टोरेंट वहां पर डाल सकते हैं, या फिर हमें यहीं पर रहकर कोई नौकरी करनी चाहिए, या फिर इस व्यवसाय को कुछ सालों तक और खींचा जाए। अगर आपको लगता है, ऐसी उम्मीद है कि हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल सकता है या फिर हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप हमें सलाह दें, अन्यथा जैसा आप कहेंगे हम तो बोरिया बस्तर बांध के तैयार बैठे जी, आपके ही ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे श्रीमाली जी कहें और हम पहली फ्लाइट पकड़कर हिंदुस्तान आ जाएं। तो देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, क्या कहते हैं इनके ग्रहों का खेल। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के मालिक बनते हैं शुक्र, जो लग्नेश बनकर चतुर्थ स्थान में विराजमान है। लग्नेश, वो भी शुक्र चतुर्थ स्थान, जो कर्म स्थान को देखते हैं, और कर्म स्थान में राहु विराजमान है, जो बहुत ज्यादा शार्प एंड ब्रिलियंट और हाथ से काम करने वाला इंसान बनाता है। जितने भी लोग कलाकार हैं, जितने भी लोग अभिनेता हैं, जितने भी लोग म्यूजिशियन हैं, या जितने भी लोग ऐसे जिनके हाथ से कोई काम करना पड़ता है, वह हाथ तो मेरे भी चल रहे हैं जी, लेकिन अगर मान लीजिए मैं हाथ नहीं भी चलाऊं तो अभी मैं बात तो कर ही सकता हूं, लेकिन ये कला नहीं है। लेकिन जो लोगों का हुनर है, उस हुनर वाले लोगों में व्यक्ति का राहु 10th हाउस में हो या 3rd हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है।
तो राहु 10th हाउस में, तो जो सलून में काम करते हैं, जो फेशियल और ये ब्यूटी सलून में जो भी तरह की चीजें होती है, वो सारी चीजें करने के लिए आपके पास हुनर होना जरूरी है। और हुनर हाथों से होता है। जैसे एक डॉक्टर बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन अगर उसके हाथों में वो ताकत नहीं, हुनर नहीं है, वो चंद्रमा उसका मजबूत नहीं, तो ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, हाथ दूजने शुरू हो जाएंगे, कैची कहीं की कहीं चल जाएगी। तो ऐसी अवस्था में 10th हाउस में राहु इंसान को बहुत दिमाग, तेज दिमाग वाला इंसान बनाता है। फिर चतुर्थ स्थान में शुक्र, जितने भी लोग कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल रेस्टोरेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स आर्ट, ज्वेलरी, डेली नीड्स, जो कि पंप एंड शो से संबंधित काम है, विलासिता से जुड़े हुए जो भी कर्म हैं, उन सारे कर्म के अधिपति शुक्र ही माने जाते हैं, जो 10th हाउस को देखते हैं। और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि, जो नीच राशि होकर 12वें घर में विराजमान है। जब आप विदेश गई थी तब आपके पास कुछ भी नहीं था, जो प्रॉपर्टीज थी वो यही थी। आज जब आप विदेश गई हैं तो आपके पास वहां पर मकान भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन आप कोई कर्जे में नहीं है, कोई तकलीफ या परेशानियों में नहीं है। ये तो उत्पत्ति, विकास और लय का एक सिद्धांत है। जो चीज बनी है उसका विकास जरूर होगा, जिसका विकास हुआ है उसका विनाश भी जरूर होगा, चाहे वो हमारा हो, चाहे पृथ्वी है, सृष्टि है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप साम्राज्य ले लिए, कोई भी वंश ले लीजिए, जो जो बना है उसका विकास जरूर होगा। विकास विकसित चीज का विनाश तय है, ये उत्पत्ति, विकास और लय का जो सिद्धांत बोलते हैं। तो ये देखिए, इनको बुध की दशा इस वक्त चल रही है, और बुध में इनको सूर्य अगले साल इसी साल 2013 में जून में खत्म हो जाएगा, और बुध में सूर्य खत्म होते ही चंद्रमा आ जाएंगे, और जब चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर विराजमान इनकी कुंडली में जो है धन भाव में विराजमान है, और अपने से 12वें घर में जाना चंद्रमा के लिए शुभ द्योतक माना जाता है, लेकिन धन भाव में गए। और देखिए, चंद्रमा से बृहस्पति चौथे घर में विराजमान है, जिसे हम गज केसरी योग, राजयोग कहते हैं। तो इस जन्म में तो आपको कोई तकलीफ आने वाली है नहीं। जो भी तकलीफ, परेशानियां, कष्ट जिसे आप मानती हैं, वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए आएगा, और आपको समृद्धिशाली बनाने के लिए और ज्यादा तरक्की करने के लिए बनाएगा। लेकिन चंद्रमा स्वदेश की ओर भेजता है, तो आपको जून के बाद अपने कारोबार को पूरा बंद करके आप हिंदुस्तान लौट आए, और कम से कम 6.5 साल के लिए और पूरी जिंदगी के लिए आए, क्योंकि गज केसरी योग वाले लोग अपने घर पर जरूर लौट आते हैं। इस वक्त अगर आप कोई अफ्रीका, सूडान, कंबोडिया कहीं पैदा हुई होती तो मैं कह देता वहां जाएंगे। आप किसी भी कंट्री में पैदा हुई होती, इस वक्त लंदन में थी, तो आपको अपनी कंट्री में जरूर लौटना पड़ता, क्योंकि गज के योग में आखिरकार अपने ही देश में आदमी की तरक्की ज्यादा होती है। तो आपके सपने भी पूरे हो चुके हैं, आप इंग्लैंड में जाकर, आपको मन था मैं विदेश में जाकर बसूं, अपना खुद का काम करूं, अपने माँ बहन परिवार के और महिलाओं की तरह अपनी जिंदगी हाउस वाइफ की तरह नहीं व्यतीत करना चाहती थी, जो परमात्मा ने आपको दिया है। दिया क्यों है? क्योंकि आपके पिछले जन्म के संस्कार और कर्म जो इस जन्म में लेकर आप पैदा हुई है, उसका पूरा सदुपयोग किया, उसका पूरा प्रतिफल परमात्मा ने आपको दिया। जैसी जिंदगी आपने सोची थी उससे कहीं ज्यादा आपको बेहतर मिली है, और आगे आप जो अहमदाबाद या सूरत में आकर जो कंस्ट्रक्शन या फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस करना चाहती हैं, तो जैसा आपने सोचा है उससे बेहतर की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं आपकी, और कंस्ट्रक्शन का फील्ड आपके लिए ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता फिक्र आपको करने की जरूरत है, सिर्फ करना चाहिए तो चिंतन, अच्छी सोच के साथ आइए, और अच्छी सोच के साथ लोगों को आप रोजगार भी देंगी, और रोजगार से बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता है। आप कहना सर, हिंदुस्तानवासी लोगों को काम काज मिलेगा और आपकी जिंदगी में भी आपको शांति मिल पाएगी। हाँ, मैंने कुछ बेहतर और अलग किया है। धन धान्य सुख यश ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आगामी नवरात्रि महापर्व पर संपन्न करें कामाख्या महाविद्या साधना। हमारे प्राचीन ग्रंथों व शास्त्रों में हजारों प्रकार की अनमोल साधना व अचूक प्रयोगों का खजाना समाहित है, और कामाख्या साधना उनमें से कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी है। ये साधना करने से साधक के जीवन में धन, शत्रु बाधा, रोग आदि की समस्याएं समाप्त होकर उनके जीवन में पूर्ण सुरक्षा चक्र समाहित हो जाता है। माँ कामाख्या की साधना शत्रुओं का नाश करने वाली है। यदि आपके जीवन में भी धन का अभाव चल रहा हो, कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो, शत्रु बाधा से ग्रसित हो, रोगग्रस्त व मानसिक रूप से परेशान हो, इन सभी परेशानियों के निराकरण के लिए आगामी 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नवरात्रि के महापर्व पर अवश्य संपन्न करें कामाख्या महाविद्या साधना, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, अर्थात
केवल एक कामाख्या साधना से समस्त साधनाओं के सिद्धि का मार्ग बन जाता है। कामाख्या महाविद्या साधना पैकेट में आप पाएंगे पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध 10 महाविद्या युक्त कामाख्या यंत्र, अभिमंत्रित नाग केशर, अभिमंत्रित रक्त गुंजा, अभिमंत्रित कामना पूर्ति कारक सिंदूर एवं कामाख्या माला। साधना पैकेज प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन नंबर 519-0000-243-2625-98290-26625।